जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। जब आपकी सुबह के बजे जी ढाई भागते हैं जी दिल्ली की तरफ इंटर उतारने के लिए, 55 किलोमीटर का दायरा तय करके हमें जाना है। चलते हैं जी, शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय बाप। पूरे साधन ही साधन हो रहे हैं। ये गाड़ी हटवा, क्यों ये गाड़ी हटवा? ट्रैक्टर ना लिखा, दरवाजा होगा क्या में ना है कोई? अरे फिर ये खटखटाना है पार्ट। ए उपड़े खुले था इन्हें। अरे मेरे स्टार्ट गए सर पर चढ़ जा, सीधा रखिए रे बोकट, सीधा रख बोकट जेसीबी का, सीधा रख बोकट जेसीबी का। दोबारा ले ले, दोबारा ले। दिल्ली टैक्स भर दिया, तो कर रही दिल्ली एंटर। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। पहुंचे जी साइड पे, गली भीड़ी है और इस पे टक्कर है बिल्कुल, ये मान लो डेढ़ दो फुट की मान लो। यहाँ पे ही सतीश ड्राइवर ने हमारे ट्रैक्टर का जो पीछे वाला पटरा टूट रहा था ना, वो खड़ाई है ट्रैक्टर, वो तोड़ दिया था यहाँ पे। एकदम ठोकर है, एकदम से मौसम बना के चढ़ाया नहीं और तोड़ दिया यहाँ से। दो फुट की तो है ही है, ये देखो देखेंगे भाई। मेरे को तो डर लगा हुआ था सुबह सुबह, मगा भाई पता नहीं कितनी ठोकर होगी, तो यहीं पे उतरेगी अपनी, पूरी उतरेगी। वैसे तो इनके पास में जगह भी कम है साइड पे, लेकिन वो माँ की सीधी करके फिर घुसानी पड़ेगी, क्योंकि फिर जोर लग जाता है ट्रैक्टर का, एकदम छोड़ भी दो। लेकिन कई ड्राइवरों का हिसाब होता है कि जो एक बार जोर लगाने के बाद में छोड़ते नहीं है, लेकिन भाई चढ़ाई पर चढ़ने के बाद में एकदम से ट्रैक्टर छोड़ना पड़ता है, मतलब कि एक्सीलेटर रेस छोड़नी पड़ती है ताकि वो ट्रैक्टर नीचे गिर जाए, नहीं तो उठा उठा जोर लगाना लगातार जारी रहे तो फिर मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर तोड़ेगा ट्रैक्टर, ये बात होती है। चेक कर लेते हैं पहले पहले बुल्ला तो सही है, ये यहाँ से तोड़ दिया था उसने बिल्कुल अंदर से। ये पटड़ा अलग है, ये वाला अलग चीज है, ये ट्रैक्टर की है अंदर की, ये अलग है और ये अलग है और फिर ये अलग है और ये अलग है। ये 4 इंच की है भाई, सबसे ज़्यादा खतरा गुल्ले का और इसका रहता है यहाँ से टूटने का वजन में। ये ट्रैक्टर पूरा वजन ट्रैक्टर का इस पर होता है और इसका ज़्यादा खतरा रहता है। अच्छा जी, गली नंबर 16 शिवराम पार्क, ब्लॉक नंबर 86 से 93 तक, E1 से 21 तक गाड़ी खड़ी है भाई। बंदा आ तो रहा है, फ़ोन तो कर दिया मैंने। रस्सी पर लगे नहीं, बंद रही पावी लगे घुसा दिए, अधी यहाँ पर लगे अधी उधर आगे, पूरी बीड़ी जड़ी है, लगाने की जगह नहीं बिल्कुल। 15 फुट की गली है, पर रिक्शा गाड़ी स्कूटी, ये रिक्शा है विकलांग वाली, ये खड़ी थी, ये सबसे ज़्यादा अड़ी थी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से घुसाई है। चलो घुस गई भाई, मेरे को तो भय था कहीं टूट ना जाए कुछ। थोड़ी बहुत यहाँ
गड़ी थी देख लो, यहाँ पे पूरा जोर लगा ट्रैक्टर का, और जोर लगने के बाद में एकदम तुरंत छोड़ दो, हमने आप चढ़ जाएगा जैसे घुमा के सीधा करके घुसा दिया। खाली हो गया भाई, रेता करके आगे पलड़ पलड़ डाल दी। अरे ये मैं कैमरे पे नहीं बोल रहा, मैं एक बार रास्ता देख लूं। उल्टी चला ले बारिश हुई अभी अभी, वहां पर बारिश करके चला गया राम जी थोड़ी देर पहले, साफ करता हुआ चल रहा है फुटपाथ को, रोड के सारे सारे फुटपाथ के सारे सारे रोड अंदर ना हो जाता है अंदर। तो मेरे पर पहुंचे था वो, तो भट्ठे पे चलते हैं। मैं सोचा था वहाँ कपड़े डुबो के चला जाऊंगा, शाम को आके धो लूंगा, सारे कपड़े मिलने हो रहे हैं, दोनों ड्रेस दो टी शर्ट है ये एक जैसी, पर दोनों का कलर अलग अलग है, तो वहाँ डुबो के चला जाऊंगा पानी में और शाम को आके धो लेंगे बढ़िया तरीके से, मगर तब तक मैल जो है उगड़ जाएगा, फिर पानी ही नहीं बचा, और नहाने का मन भी कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ नहीं हो सकता, भट्ठे पर चलते हैं जी। भट्ठे वाला बोर चलिया मिल गया ना लेते हैं, किस्मत तेज निकली मेरी, नहाने का बड़ा मन कर रहा था मेरा, और टी शर्ट भी धो लूँगा पानी से निकाल लूँगा, सही हो जाएगी फ्रेश, नहा लिया जी बढ़िया तरीके से, टी शर्ट धो के ऐसे ही डाली, चलते हैं जी भट्ठा पास में ही है। अंदर लगा दिए अभी, डल्ला खुल गए पर लगा दिए घोड़ियों के अंदर, अभी आ रहे हैं 5 मिनट में भरने के लिए, मेरे को सोया पड़ा था मैं तो, 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, सोए पड़े को उठाया कि भाई ट्रैक्टर लगा अंदर भरेंगे, आते ही सो गया था मैं नहा के, बढ़िया नींद आई, परसों वहाँ से भरी थी पहला चक्कर, दूसरा चक्कर तड़से वाली सारी घंटे छोड़ दी नीचे, और आज यहाँ लगाई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 31 का ऊपर, उसके ऊपर पट हो गया, 31 का टोटल कंप्लीट हो गया, 31 में तो भरा नहीं जाता, 30 का अर्थ जो अब्बल है और जो थोड़ा बहुत तड़सा उसमें रह जाता है वो है, और 1, 2, 3, 4, 5 पाँच में कल भरी थी, और 1, 2, 3, 4, 5 5.5 में परसों भरी थी, इसलिए वो थोड़ी इंटे इसीलिए बच गया, वो 5.5 दिन उस दिन, ये हिसाब है, यहाँ पे रोड़े पड़े थे इसलिए मैंने दूर लगा दी। सीरी लगा दिया, डाला खोल के, तो वो बताइए ना मैंने 1, 2, 3, 4, 5 6 होगी, ऐसे 6 होगी और ऐसे 5 होगी, 1, 2, 3, 4, 5 5 31 घोड़ियों में भर जाएगी ट्रॉली, 30 घोड़ियों में कल 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से भी 100 ईंट कम से कम बचेंगी, 100 ईंट अब्बल की जो ये तड़सा है, 100-150 ईंट होगा वो बचेगा, इसमें भी ऐसी बची है, और ये जो कि 5.5 थी, 10 मिनट में कह रहे आ रहे हैं, लगा दिया अपने आप, पूरा हिसाब है भरने का, आँच बहुत है जी, जी बंद होगी, फुकाई जड़ाई सब कुछ इनकम्प्लीट्स, अब कोई भय नहीं है जी, ये सीन है पकड़ने के बाद में, बंद होने के बाद में, और लगे हुए हैं जी भरने के लिए, जी लगे हुए हैं भरने के लिए बढ़िया तरीके से, ये लो जी पूरा सिस्टम बंद हो चुका है आज,
ये सिस्टम जो नया साल आएगा, आज 2024 चल रहा है, जो नया साल आएगा 2025 उसके अंदर 1 मार्च से फिर भट्ठा चलेगा, फिर इंजन चलेगा, फिर पहले पथेर आ जाएंगे 9वें महीने में, जो ईंटें बनाने वाली लेबर है वो 9वें महीने में आ जाएंगी, ईंट बनानी शुरू कर देंगे, भट्ठे के अंदर भरनी शुरू कर देंगे और अपना जो दायरा वो कवर कर लेंगे, जो भट्ठा भरना होता है, हम भट्ठे पर चल रहे हैं, हम कच्चे ईंटें इसके अंदर भर देंगे। अभी इसके अंदर पकी हुई ईंटें हैं, पिछले लोगों में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो फिर इसमें कच्ची भर देंगे। जब 1 मार्च आ जाएगी, 9वें महीने के बाद में 1 मार्च आ जाएगी, 1 मार्च को अग्नि रोशन कर देंगे, भट्ठे में ईंट पकड़ने के लिए आग डाल देंगे। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने सारी वीडियो में देख ही लिया होगा, भट्ठा चलता हुआ भी दिखा दिया और बंद होता हुआ भी दिखा दिया, और लेबर आएगी अब की बार वो भी दिखा देंगे, और पहले भी दिखा चुके हैं। जो लोग भी हमारे साथ में इस मतलब कि लास्ट 365 दिन का हमारे को मेरे को डाटा दिखाया जाता है, जो वाइट स्टूडियो है हमारा, तो उसके अंदर से बता रहा हूँ, जिन्होंने जो भी 1 साल से बंदे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हैं, तो वो हमने भट्ठे का पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप भाई कमेंट कर देना, मैं वो भी दिखा दूंगा। अगर आपको लगता हो कि भाई कोई सेटिस्फाई वीडियो नहीं बनी है तो आप लोग बता देना कमेंट में, मैं वो भी आपकी वीडियो अलग से सेटिस्फाई होकर बना दूंगा। लेकिन इसके बावजूद बता रहा हूँ, आज तक का जो हमने डाटा कवर कर लिया है वो कर लिया है, जो आप लोगों ने देख लिया, नए व्यूअर्सों ने जो नहीं देखा वही पीछे जाके सारी वीडियो अपनी देख लेना। जो अब है, अब आगे जो सिस्टम चलेगा, जो अब पूरा कंटेंट अभी कॉपी होने लग गया, डबल डबल वीडियो हो जाएंगी और डबल डबल कई बार मैं बोल भी जाता हूँ, तो इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आप लोगों कि भाई अब जो सिस्टम शुरू होगा वो थोड़ा सा अलग ही चलेगा, क्योंकि जिन्होंने भट्ठे का पूरा प्रोसेस मैंने दिखा दिया, जिसमें पूरे प्रोसेस में कोई भी कमी रहेगी तो बता देना, अन्यथा आप जो आज के बाद में जो सारी वीडियो चलेंगी तो वो थोड़ा सा अलग होगी, डिफरेंट होगी। वाइट स्टूडियो हमारे को नॉलेज दे रहा है कि भाई ऐसे आप का जो ग्रो नहीं कर पाओगे, तो वो एक सिस्टम का हिस्सा है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, तो उसके हिसाब से आप बता देना, कोई कमी है तो बता देना, नहीं तो हमने भट्ठे का पूरा प्रोसेस कवर कर लिया है। ठीक है जी, अब की बार जब वैसे तो थोड़ा बहुत दिखाता रहूँगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को एक सिस्टम है वो आई टी स्टूडियो के हिसाब से बता रहे हैं, वो आपको मैं बताता हुआ ही चलूँगा। अब वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होने वाली है, जिन्होंने भी भट्ठे का पूरा प्रोसेस देखना है, ईंटें बनती कैसे हैं, पकती कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, तो वो चैनल पे जाओ, पिछली वीडियो बहुत सारी वीडियो हैं आप जाके देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल जो आगे आपके पास में जो भी जानकारी होगी वो मैं बताता हुआ, जो आपको बताता हुआ, और जो आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, और जो तरीका बनने का ईंट का और पकड़ने का, जो वो आपकी हिसाब में आपके समझ में आता ही रहेगा। हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो 6 नवंबर 2022 की है, 22-23 में 1 साल हो गया, अब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जो 6 नवंबर 2024 को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमने वीडियो डाल दी 717, उसमें शॉर्ट भी हैं, और 1 साल तो बिल्कुल परमानेंट हो गया, जो व्लॉगिंग हमारा जो परमानेंट चला हुआ है, व्लॉग वाला सिस्टम, 1 साल तो बढ़िया बढ़िया सही तरीके से वीडियो चल रही है मेरे हिसाब से, 1 साल से नहीं, आप लोगों के हिसाब से मेरे को नहीं पता, ज़्यादा भी हो सकती है। तो भाई अब तक जो हमारी वीडियो चल रही थी वो उसमें व्यू भी कम आ रहे थे, सब्सक्राइब भी हमारे कम आ रहे थे, कम से कम 3500 घंटे हम गेन कर चुके हैं, 3500 घंटे से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि ऑफ जो मोनोटाइज वाला सिस्टम था 500 सब्सक्राइब और 3000 वॉच आवर्स, जो घंटे होते हैं 3000 घंटे, वैसे भी मेरे को तो छोटी सी बात लग रही थी, मगर भाई अब कर देंगे इसको, तो ये बहुत बहुत बड़ा सिस्टम होता है, सभी को दूसरे यूट्यूबर्स को देख के हमें इंस्पायर हो रहे हैं हम, कि भाई हमारे साथ पास भी गाड़ियाँ होनी चाहिए, जैसे कोई भी हो गया बड़ा यूट्यूबर, किसी को भी देख लो आप, गाड़ियाँ उनकी देख रहे हो, बंगला उनका देख रहे हो, तो भाई ये सब चीज़ें आपको इंस्पायर हो जाओ, सबसे हो, लेकिन वो चीज़ें दिमाग से चलेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं करा भाई, मेरे जैसे काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं,
जिनके पास में कई हज़ार सब्सक्राइबर हैं और जो लोग मेरे जैसा काम कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ में, जो बिज़नेस है, चलो वही बिज़नेस तो मेरा भी है लेकिन छोटा बड़ा बिज़नेस उसका कोई नाम नहीं होता कि भाई ये बिज़नेस बड़ा है ये बिज़नेस छोटा है, तो उससे इंस्पायरता लेके हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप देख रहे हो कि भाई यूट्यूबर्स गाड़ियाँ ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बाइक ले रहे हैं, बड़े बड़े घर बंगले सब कुछ हैं, तो उससे इंस्पायर तो ज़रूर हो जाओ, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन भाई जो आपका यूट्यूब पर आने का सपना है वो आपके हिसाब से ही कंप्लीट होगा, लेकिन इतना जो एल्गोरिदम होता है ना यूट्यूब का, एनालिटिक्स होती है, तो उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए था। अब तक जैसी हमारी वीडियो चैनल पर जा रही है ना, तो उनमें मिलियंस में व्यू होने चाहिए थे, लेकिन मेरे को जो इसका प्रोसेस होता है उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कम पढ़ा लिखा हुआ हूँ भाई, 10वीं फेल था। अब तो खैर 10वीं पास कर लिया, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इंग्लिश के हिसाब से ही सारा सिस्टम आपका चलेगा, हिंदी में हो तो चलो भाई पूरा प्रोसेस हम जान लेते हैं, लेकिन हिंदी भी ऐसी होती है साफ, जो स्वच्छ हिंदी होती है वो कम पढ़े लिखे के वो भी समझ में नहीं आती है, ये हिसाब है। स्वच्छ हिंदी, साफ़ सुथरी हिंदी होती है जो वो समझ में नहीं आती, उसके जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं वो समझ में नहीं आते कई बार, ठीक है जी। आज तक की जो हमारी वीडियो चली गई है वो मिलियंस में व्यू होने चाहिए थे, हमारा चैनल मोनोटाइज हो चुका होना चाहिए था और बहुत सारे पैसे आने होने चाहिए थे, आने लग रहे होने चाहिए थे या फिर आ चुके होते बहुत सारे पैसे, तो उसका एक रीज़न है जो मैं बता रहा हूँ, वैसे गाइडलाइंस है बताना नहीं चाहिए। तो मैं जो हमारे जो छोटे भाई हैं या बड़े हैं बहनें हैं हमारी जो, तो उनको बता रहा हूँ कि भाई जो आपका वाइट स्टूडियो है उसके अंदर एल्गोरिदम होता है जो यूट्यूब हमारे को सजेस्ट करती है कि भाई आप ऐसी वीडियो बनाओ, आप ये करो, आप वो करो, जो एनालिटिक्स होती है वो आप पढ़ के अपने हिसाब से काम करो, जो यूट्यूब वाइट स्टूडियो आपको बता रहा है वो आपको उसके हिसाब से ही फॉलो करो। अगर मेरे को पहले पता होता तो फिर भाई मैं आज तक, फिर वही बात है कि मिलियंस में भी होने चाहिए थे, आज तक हमारा कुछ भी नहीं बना, ठीक है जी। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, 200 सब्सक्राइबर वाले हैं या 2000 वाले हैं या 20000 वाले हैं, जिनका चैनल मोनोटाइज नहीं हुआ, उनको बता रहा हूँ कि भाई इसको फॉलो करते हुए चलो वाइट स्टूडियो को, तो आप जल्दी ग्रो करोगे। तो मेरे को तो भाई चलो भाई नॉलेज आती रहती है, लेकिन वैसे तो मैंने 10-12 साल हो गए यूट्यूब स्टडी करते हुए, मैंने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो, लेकिन भाई कम पढ़ा लिखा होने की वजह से जानकारी लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तो ये बात है जी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको कभी 2 साल बाद 4 साल बाद ऐसे पता चले कि भाई आपको तो ये फॉलो करना था, आप गलत चीज़ें दिखा रहे हो लोगों को, क्योंकि हमारे साथ में जो भी बंदे जुड़े हुए हैं, 1000 बंदे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ में, कंप्लीट हो जाएंगे। घर पे जाने की सोच रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट करके ही जाने की सोच रहा हूँ, तो उसके बाद में हमारे को जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो अब करनी पड़ेंगी। मैं सोच रहा था कि भाई ऐसे ही चलता रहूँगा और ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे, ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे, तो उसका भाई कोई भी मतलब, अब तो जैसे मैं डेली, मेरे को पता है सभी लोग सोचते होंगे कि भाई डेली वही वीडियो आ रही है, वही भट्ठा है, वही आगे साइडें हैं, तो बस उससे मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई मेरे को भी पता है कि भाई वीडियो कॉपी होने लग गई हैं, जो कंटेंट है वो भी अलग नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा। अगर कंटेंट और थंबनेल अलग हो गया तो फिर भाई वीडियो वही है सेम टू सेम, तो भाई इस चीज़ का मेरे को पता है। आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा अब जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और आपको ज़्यादा जैसे भी हमारे को सजेस्ट किया जाएगा, जैसे भी हमारे को बताया जाएगा कि मैं उसी के हिसाब से आपको, क्योंकि भाई जो वाइट स्टूडियो हमारे को बता रहा है उसके हिसाब से ही हमारे को फॉलो करनी पड़ेगी गाइडलाइंस, और उसके हिसाब से ही हमारी वीडियो जो है लोगों तक पहुंचेगी, उसी के हिसाब से जो यूट्यूब बोल रहा है वो अपने हिसाब से लोगों तक हमारी वीडियो ऐसी पहुंचाएगा। जैसे आज 100 लोग देख रहे हैं तो वो 1,00,000 लोग भी देखेंगे, 10,000 भी देखेंगे, 20,000 भी देखेंगे, ऐसे होता है, और उससे हमारे को सब्सक्राइब भी मिलेंगे। अब तक तो जो चल रहा था मेरे दिमाग से ही चल रहा था, लेकिन वो गलत था भाई, अब तक तो मैंने सारा माइंड आप लोगों के सामने ही रख दिया, जो बता दिया सब कुछ सही है, जो आपने देख लिया वो भी बढ़िया, नहीं देखा जिन्होंने वो जाके देख लो पिछली वीडियो में चैनलों पे, तो ठीक है जी।
आज के बाद कुछ ना कुछ अलग तरीके थे, जो हमारा तरीका वो चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं हर चीज़ कई चीज़ें जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसके हिसाब से आपको फिर सारी चीज़ें सेम टू सेम इसीलिए लग रही हैं। तो ये बात है जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराऊँगा तो मैं, आप क्यों घबराओगे, आपको तो सब कुछ देखने को मिल ही रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे को फॉलो करनी है, बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करवा दो 1000, फिर उसके बाद में हमारा चैनल मोनोटाइज के लिए तैयार है। लेकिन वो उसमें YouTube की प्रोसेस होती है, गाइडलाइंस होती है कि भाई हम कब आपका मोनोटाइज दे रहे हैं। मोनोटाइज तो हम मैं आज भी ले सकता हूँ, लेकिन वो उसमें एडसेंस का, ऐड का और पैसे का फ़र्क होता है, उसमें डॉलर कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, आपके पास में डॉलर में पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो यूट्यूबर्स हैं छोटे बड़े जिनका मोनोटाइज नहीं हुआ, तो भाई गाइडलाइंस है जो, उसको फॉलो करते हुए चलो, आपका सब सही होगा। एक सब्सक्राइब हो ना आपका, एक भी ना हो और आपने वीडियो डाल दी, तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो YouTube अपने आप उस वीडियो को उठाएगा, आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका लिंक शेयर कर दो WhatsApp में, WhatsApp ग्रुप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी एक बार आप अपना लिंक डाल दो, आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। YouTube अपने आप सारी चीज़ें आपकी चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं है या फिर कोई जो वायलेंस वाला सिस्टम नहीं हो, तो उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करती हुई चलेगी और आपकी वीडियो ग्रो करेगी। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए YT स्टूडियो, आप जब आप पहली बात तो यूट्यूबर हर यूट्यूबर के फ़ोन में YT स्टूडियो ज़रूर मिलेगा और होना चाहिए। मैंने भी एक साल बाद में डाउनलोड किया था YT स्टूडियो, लेकिन मैं उसको मानता ही नहीं था, फिर एक साल हो गया अब मैं उसको मानता भी हूँ, जानता भी हूँ और वो मुझे भी जानते हैं। YT स्टूडियो हमारे को सजेस्ट कर रहा है हर चीज़ बढ़िया तरीके से। आज मैंने काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे व्यतीत किया YT स्टूडियो के साथ में, ठीक है जी। अब थोड़ा सा एल्गोरिदम मेरे को बहुत सारा समझ गया वैसे तो मैं, ठीक है जी, बाकी आपको बताते हुए चलेंगे। बस जिनको ज़्यादा YT स्टूडियो में या YouTube के बारे में, जिस भाई को, जिस बहन को, किसी को भी ज़रूरत हो ना, तो मेरे से Instagram पे विक्की सी मारवाता भी मैसेज कर लेना, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। वैसे इस वीडियो में सारी चीज़ें जानकारी नहीं दे सकते, बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ जी। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी जी, भरने वाली है जी ट्रॉली, मार के पल्लड़ रस्सा भागेंगे, रोज़ की तरह है ये चीज़ तो, ठीक है ना जी। इसीलिए मैं भी बोर हो गया कि भाई आप लोगों को क्या दिखाऊँ, बस अब बदल देंगे सब कुछ धीरे धीरे, एक आधी वीडियो बीच बीच में आती रहेगी ऐसी ऐसी, लेकिन जो धंधा है वो अपना हमारे साथ ही चलेगा। आज भर ली उतार ली, जो सिस्टम चल रहा है रेगुलर, लेकिन थोड़े टाइम में दिखाएंगे। ये बात है, यहाँ पे आ गया मैं धीरे धीरे चल के, आधी भर के रेस्ट करने के लिए गए हैं थोड़ी देर। चारधारी उधर वर्गी, डंडा बीच में लग गया जो ये पट वाला है, और ये लाइन वर्गी, और इधर से तीन लाइन बची हैं, बस अब तो कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टे करके जिस भाई ने हमारी गिनती करनी है इंटों की, वो गिनती कर सकता है अपनी, जो प्योज करके वीडियो को देख लेना। और ये जो बीच में डंडा है वो 19 का ऊंचा है, या फिर भी, और ये धारी आप गिन लेना, ऊंचाई आप गिन लेना 13 की ऊंचाई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो ये पूना पट है वो 14 का, बाकी 13 के हैं, 105 पट में से ये कम हुई है, जो 2-4 इंटे हैं 10 इंटे हैं। कम्प्लीट 14 का एक पट कम करवाया आज मुंशी ने, पलट मारते हैं जी फिर भागे जी, रस्सा तरपाल सब कुछ। गर्मी बहुत हो रही थी सुबह से और बरस नहीं रहे राम जी, अगे पसीने पसीना हो गए, चलते हैं जी मारते हैं। डीजल फ्यूल अपना दूसरा ट्रैक्टर चाचा है, चाचा जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, पहुंचे जी सही सलामत। परवीन जो भाई था ना, वो परवीन का भाई था, रिश्तेदार था, कल उसकी एक जगह से टांग टूटी हुई है, तो एक्सरा हो रहा है, और ऑपरेशन कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा। कल ऑपरेशन वाला डॉक्टर तो आएगा ट्रोमा सेंटर रोहतक में, लेकिन अगले दिन ऑपरेशन होगा उसका, कल नंबर नहीं आएगा, डॉक्टर आएगा।
बस दुखद घटना है जी। और वो पहले भी मोटा होने लग रहा था, मैं उसको बोल रहा था कि भाई दौड़ मार लिया गया, अब वो और भी थोड़ा मोटा हो जाएगा। चलो जी बस ध्यान रखना है जी। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, शूट करते हैं एंड मिलते हैं हम लोगों को जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।